Good morning, everyone. How are you all? I hope you children are fine. So today we have to start with page number 7. आज हमें कौन सा page number start करना है? Page number 7. And what we have to do here? Here we have to complete a body cross word with the help of images given here. यहाँ हमें क्या करना है? कुछ images आपको दी गई हैं. इन इमेजेस को देखते हुए आपको आपकी टेक्स्ट बुक में जो क्रॉसवर्ड दिया गया है दैट यू हैव टू कंप्लीट. फर्स्ट वी हैव टू सी द इमेज, देन वी हैव टू फिल आउट द स्पेस विद द हेल्प ऑफ द इमेज गिवन हियर. जो भी इमेज आपको दी जा रही है आपको उसके बेसिस पे इस क्रॉसवर्ड को कंप्लीट करना है. ऑन विच पेज नंबर? पेज नंबर 7. क्या है ये बॉडी क्रॉसवर्ड? इसका मतलब क्या हुआ? यू विल सी द इमेजेस हियर. यहाँ आपको कुछ इमेजेस दिखाई दी जाएंगी, उस बेसिस पे आपको उस बॉडी पार्ट को पहचानना है और वो कौन सा बॉडी पार्ट है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. सो हियर वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में जब आप आपकी टेक्स्ट बुक में देखेंगे सो यू कैन सी एन इमेज लाइक दिस. इस तरीके से आपको ये इमेज दिखाई देगी. इस इमेज को पहचानकर आपको बताना है कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है, इसे आपको कंप्लीट करना है. जब आप इमेज को देखेंगे सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज दिस पार्ट. इस पार्ट को आप पहचानेंगे कि ये कौन सा बॉडी पार्ट है. टंग, क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं इसे हम? टंग. और किस तरीके से लिखना है आपको इसको, स्पेल कैसे करेंगे? टी ओ एन जी यू ई. क्या है इसका स्पेलिंग? टी ओ एन जी यू ई. कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे? टंग. तो जो फर्स्ट इमेज आपको दी गई है वो किसकी दी गई है? टंग. स्पेलिंग है टी ओ एन जी यू ई. इस तरीके से आपको आपकी टेक्स्ट बुक में ये कंप्लीट करना है. नेक्स्ट पार्ट, अब सेकेंड इमेज देखते हैं. सेकेंड इमेज आपको आपकी टेक्स्ट बुक में मिलेगी पेज नंबर 7 पे. इस तरीके से ये इमेज शो की गई है. ये किस चीज की इमेज है? यहाँ पे थंब शो किया गया है अपवर्ड डायरेक्शन. तो ये कौन सा बॉडी पार्ट हुआ? थंब. क्या है ये? थंब. और किस तरीके से प्रोनाउंस करना है आपको इसे? थंब. और स्पेल कैसे करेंगे? आपको इसको लिखना है टी एच U M B. This is the spelling for thumb. ये thumb की spelling होगी. यहाँ पे आपने पहले image को देखा, image के basis पे ही आपको वो crossword complete करना है. तो image आपने देखी, किसकी दिखी है आपको image? Thumb की. अब आपको क्या करना है? You have to complete this body part. तो इसको इस तरीके से हम spell कर रहे हैं. T H U M B. नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? इमेज नंबर 3. अब जब आप थर्ड इमेज देखेंगे आपकी टेक्स्ट बुक में तो ये थर्ड इमेज किसकी दी गई है आपको? ये है इमेज नोज की. किसकी इमेज है ये? नोज की. क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं इसे हम? नोज. कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं? नोज. और इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम? एन ओ एस ई. क्या है इसकी स्पेलिंग? एन O S E. प्रोनाउंसिएशन है नोज और स्पेलिंग है N O S E. दैट इज नोज. नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट पार्ट को पहचानते हैं. ये आपको टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरीके से शो किया है. तो ये इमेज किसकी है? दिस इज एन इमेज ऑफ अ लेग. किसकी इमेज है ये? लेग की. तो प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसे हम? लेग. और इसको स्पेल कैसे करेंगे? L E G. कैसे स्पेल करेंगे? L E G. और क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं इसे हम? लेग. क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन? लेग. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन. ये आपको इस तरीके से शो किया है. तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज नेक. इसे हम क्या पढ़ते हैं? नेक. क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं इसे हम? नेक. और किस तरीके से लिखेंगे हम इसे? N E C K. क्या है इसकी स्पेलिंग? N E C K. प्रोनाउंस कर रहे हैं इसे हम नेक. और
और स्पेल कर रहे हैं एन बी सी के. सो दीज आर द इमेजेस गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ये आपको पहले इमेजेस दी गई हैं. व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट डाउन द करेक्ट स्पेलिंग फॉर दिस एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस क्रॉसवर्ड. ये क्रॉसवर्ड आपको इस तरीके से कंप्लीट करना है. कंप्लीट करते वक्त इमेज को देखना, इमेज के बेसिस पे ही आपको करेक्ट वर्ड लिखना है और लिखते साथ में आपको इनको अच्छे से प्रोनाउंस भी करना है. फर्स्ट इमेज किसकी देखी हमने, टंग, टी ओ ए जी यू ई, क्या पढ़ेंगे इसे हम, टंग. नेक्स्ट इमेज हमें किसकी मिली है, थंब. नेक्स्ट इमेज इज ऑफ थंब, टी एच यू एम बी. नेक्स्ट पार्ट इज नोज. नेक्स्ट पार्ट इज नोज, N O S E. This is the pronunciation. Next one is leg. Next part kya hai? Leg. L E G. Leg. Aur last part kya hai? Neck. N E C K. Neck. Ye the aapke first five part. Now moving on to the next part. Ab next part complete karte hain. Next part mein aapko image number 6. Ye image number 6 mein aapko kya dikh raha hai? It is an image of a eye. Kiski image hai ye? I. तो इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं हम आई, और कैसे लिखेंगे, E Y E. क्या लिखना है इसमें हमें, E Y E. क्या है ये, I. नेक्स्ट इमेज अब देखते हैं. नेक्स्ट इमेज किसकी है, दिस इज द इमेज ऑफ अ ईयर. इसकी इमेज है ये ईयर की, ईयर मतलब कान, आई मतलब आंख. तो यहाँ आपको इमेज किसकी शो की गई है, ईयर की. तो इसको हम प्रोनाउंस कर रहे हैं ईयर, और क्या लिखेंगे इसके लिए स्पेलिंग, ई ए आर. क्या लिखना है इसमें हमें स्पेलिंग, ई ए आर. नेक्स्ट पार्ट इज, अब नेक्स्ट इमेज आपको मिलेगी. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दिख रहा है, फेस एंड ऑल द ऑर्गन्स आर मेंशन्ड हियर. तो ये वाला पार्ट हमें यहाँ कंप्लीट करना है. तो ये पार्ट क्या होगा, हेड. इस इमेज के अकॉर्डिंग यहाँ हमें क्या फिल करना है, हेड. प्रोनाउंस कर रहे हैं इसे हम हेड, और किस तरीके से लिखेंगे, एच ई ए डी. क्या लिखना है इसमें हमें, हेड. एच ई ए डी, दैट इज हेड. नाउ नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट जब आप देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट आपको कुछ इस तरीके से इमेज शो होगी आपकी टेक्स्ट बुक में. तो ये वाला पार्ट जो है इसे हम क्या कहते हैं, आर्म. व्हाट इट इज नोन एज, इट इज नोन एज आर्म. इस तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, और कैसे लिखेंगे इसे हम, ए आर एम. क्या लिखना है इसे हमें, आर्म, ए आर एम. नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन. ये लास्ट पार्ट है. लास्ट पार्ट में हमें किसकी इमेज शो की गई है, इट्स अ इमेज ऑफ अ लिप. तो यहाँ हमें क्या मेंशन करना है, लिप्स, एल I P S. क्या मेंशन करेंगे हम यहाँ पे, लिप्स, L I P S. लिप्स प्रोनाउंस कर रहे हैं, और स्पेल किस तरीके से करेंगे, L I P S. क्या पढ़ा इसे हमने, लिप्स. सो इन दिस वे यू हैव टू कंप्लीट द पार्ट गिवन ऑन पेज नंबर 7. इस तरीके से आपको पेज नंबर 7 का पार्ट कंप्लीट करना था. यहाँ पे हमें क्या क्या पार्ट दिए थे, This part is known as eyes. E Y E S. क्या होगा ये पूरा complete part? Eyes. E Y E S. और ये वाला part क्या होगा? Ears. E A R S. Ears. Next one is head. H E A D. Head. Next वाला part क्या है? Head. H E A D. Head. Last one is, last second one is arm. A R M. Arm. And last one is lips. L I P S. So in this way, first you have to see the image of the body part. पहले आप इमेज देखेंगे, और इमेज के बेसिस पे आपको क्या करना है, you have to fill out this crossword. कुछ इस तरीके से आपकी टेक्स्ट बुक में ये पार्ट दिया गया है. सो इन दिस वे यू हैव टू कम्प्लीट दिस पार्ट. इस तरीके से आपको ये कम्प्लीट करना है. फर्स्ट सी द इमेज, देन राइट डाउन द करेक्ट नेम ऑफ द बॉडी पार्ट, एंड देन रिवाइज इट. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.